हेलो सुपर लर्नर्स, क्या हालचाल? आई रियली होप कि आप एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। एंड मुद्दा यह है कि मैं प्लान बना लेता हूँ, टाइम टेबल बना लेता हूँ, बट उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आपको भी ये लगता है और आप फिर से प्लान बनाते हो, फिर से वो करते हो, बार बार आप कर रहे हो और फिर भी अगर इसी लूप में फंसे हुए हो ना, तो मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, बहुत ऑनेस्टली ना, वो आपके काम की है। एक सवाल खुद से पूछो सबसे पहले कि अगर मैं पिछले 90 दिनों को देखता हूं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं पिछले 90 दिनों को 90 डेज को अगर ट्रैक करता हूं, तो मैंने ऐसे क्या क्या चीजें किए होंगे जिससे मेरी जो लाइफ है वो ऐसे मतलब 360 डिग्री घूम गई या 180 डिग्री घूम गई या फिर ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज आया होगा मेरी लाइफ में। मतलब कुछ तो ऐसा किया होगा आपने पिछले 90 दिनों में। शायद हो सकता है कि आपने डेली 10 मिनट 15 मिनट रीडिंग की होगी, शायद हो सकता है कि आपने डेली 5 न्यूमेरिकल सॉल्व की होगी, 10 मैथ्स के सम किए होंगे पिछले 90 दिनों तक कंसिस्टेंटली। ध्यान से सुनना इस बात को। या फिर शायद आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं क्या करूंगा ना, कि मेरा ना ठीक नहीं चल रहा पढ़ाई वढ़ाई, मैं ना अभी एक्सरसाइज करूंगा। और पिछले 90 दिनों से मतलब 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, आप लगातार एक्सरसाइज करते आ रहे हो। यार मेरा ना यार थोड़ा मुझे फोकस नहीं कर पाता हूँ, मुझे पता चला ना कि ये वाला जो डाइट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होता है या फिर कुछ जो कोई भी डाइट जो आपने सुना होगा, ठीक है, इसमें ना अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, तो मैं ये कंज्यूम करूंगा जिससे मैं ना ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा। या फिर शायद मैं मेडिटेट कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा किया है? अगर किया है तो नीचे कॉमेंट में बता देना, और अगर आपने ईमानदारी से डेली किया होगा ना, आपको रिजल्ट दिखा होगा। प्रॉब्लम क्या पता है क्या, अक्सर हमें ये लगता है, बहुत क्रिस्प रखूंगा इस वीडियो को, बहुत ऑनेस्टली आपको बताने वाला हूं, हमें अक्सर ये लगने लगता है, और ये लगता है क्या हमें, कि भाई मोटिवेशन ही चाहिए खाली। क्या चाहिए? कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन भी, मतलब मोटिवेशन ही चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, बात सही है। लेकिन पता है किसी चीज को लगातार करते रहने के लिए ना, वो जो मोटिवेशन आता रहता वो कैसे आता है? रिजल्ट से आता है। समझो इस बात को। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बना के डाला, उस वीडियो को 1500 लोगों ने देखा। मुझे क्या लगा, यार बच्चे देख रहे हैं। फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया, फिर 1600-1700 लोगों ने देख लिया, यार बच्चे देख रहे हैं। फिर वीडियो डाला, फिर किसी ने देखा, और मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। मतलब मेरे दिमाग में था कि 500-600-800-1000 लोग अगर देख लेते हैं तो इट्स गुड। पर क्या हुआ, मुझे उससे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, या फिर एटलीस्ट उतना भी मिलता है ना, तो हम काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या पता है, हम जब प्लान बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हम उसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पुट डाउन ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने प्लान बनाया, तो सबसे पहले मैं ये डालूंगा ही नहीं वहां पे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम दैट प्लान। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे इसके कुछ गोल्स हैं। जैसे एक गोल मेरा ये है कि बच्चों को पता चल जाए कि ये, और मेरा दूसरा, मेरे जो पर्सनल गोल्स है वो है कि इस वीडियो पे लेट से कि 10,000 मिनिमम व्यूज आना चाहिए, मिनिमम 1,000 लोग लाइक कर दे, 200-500 लोग कमेंट्स कर दे, 1,000-1,500 लोग शेयर कर दे। समझ रहे हो? इससे मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इतना रफ ना कोई नहीं बताता, ठीक है। लोग आते हैं स्क्रिप्टेड वीडियो लेकर के जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, यहाँ पे तो एक भाई की तरह मैं बता रहा हूँ। समझो बात को। सबसे पहला ये है ना कि जब तुम कोई प्लान बना रहे हो और वो फेल हो रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि तुमने उसके पॉसिबल आउटकम्स नहीं लिखे हैं। समझ रहे हो? इट इज मोर लाइक अ ड्रीम विच इज इन योर हेड, इट इज नॉट लाइक अ एक्चुअल, क्या कहते हैं, गोल। क्योंकि गोल का ना एक एक्सपेक्टेड वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जाता हूँ तो मेरा गोल है, क्या गोल है पता है, कि मैं लगातार 25 पुलअप्स चिनअप्स कर सकूं, लगातार एक बार में 25। मैं उसको अचीव नहीं कर पाया हूं, बट आई एम समवेयर अराउंड 10-12। तो जब भी मैं, समझ लो, जब भी मैं पुलअप्स कर रहा हूं, चिनअप्स कर रहा हूं, तो मेरे एक गोल है दिमाग में कि मुझे वो 25 का नंबर अचीव करना है। क्या आप जब वो प्लान बनाते हो तो क्या आपके दिमाग में वो गोल होता है? नहीं होता है ना। ये एक कारण है कि हमारा प्लान फ्लॉप कर जाता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में गोल होता है, शायद अब तुम उसको ना इस तरीके से कंफ्यूज करोगे कि भैया मैंने तो डिसाइड किया था कि 2 घंटे बैठूंगा, 2 चैप्टर कंप्लीट करके उठूंगा, या 1 चैप्टर या आधा चैप्टर, एक्स वाई जेड मैंने ये डिसाइड किया था, बट ये हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। कारण दो होते हैं इसके। एक तो शायद उतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम कर ले, शायद हमारे अंदर उतना वो नहीं है,
समझ रहे हो, प्रीवियस नॉलेज जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो। दूसरा हो सकता है कि हमारे अंदर उतना मतलब कंसिस्टेंट बैठने की हिम्मत नहीं है। एक और ये हो सकता है कि शायद बहुत बड़ा टास्क ले लिया हमने, समझ रहे हो, या फिर शायद एनीथिंग पॉसिबल कुछ भी हो सकता है जिसके कारण हम नहीं कर पाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, नहीं कर पाए दैट डजंट मीन कि मैं छोड़ दूंगा। मैं अब तक पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, नियर अबाउट कंसिस्टेंसी रहता है, कभी फिर छूट जाता है, एक आध महीने के लिए कहीं गए घूमने वूमने चले गए, कुछ घर में कुछ ये है। 25 का टारगेट मैं 3 साल से अचीव नहीं कर पाया, समझ रहे हो। आई हैव एंटिल 15, 12, 16, 17, 25 नहीं हो पाया, तो क्या मैं छोड़ दूँ? चिन अप पुल अप्स छोड़ दूँ मैं? नहीं छोड़ सकता ना। तो पहला क्या मैं बोल रहा हूँ, गोल ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट लिखो, पॉसिबल रिजल्ट लिखो कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए लेकिन मिनिमम इतना चाहिए। और ये ना कई बार हम खुद बना नहीं पाते अपने लिए, वहां पे आपको कोई आपके टीचर हेल्प कर सकते हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स हेल्प कर सकते हैं, आपके भाई मम्मी पापा एक्स वाई जेड कोई हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप क्लास 10th में हो तो, क्लास 9th में हो तो विक्ट्री बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 11th में हो तो उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ये बैचेस है वो हमारे ऐप पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस पे है, भी डिस्काउंट भी शुरू है, और आप एक नंबर पे कॉल भी कर सकते हो जो अभी यहाँ पे डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हो, तो आपको कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। डेडिकेटेड प्लान बना के दे देंगे, कोर्स के बारे में बताएंगे, वहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पहला क्या बोला मैंने, गोल ओरिएंटेड बहुत ध्यान से समझाया, जो मेजॉरिटी में नहीं होता है। दूसरे एस्पेक्ट को समझो कि मोटिवेशन, मैंने कैसे बोला, गोल पूरा हुआ मोटिवेशन बनेगा, गोल पूरा हुआ मोटिवेशन बनेगा। हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल मेजॉरिटी लोगों को अगर हम देखें तो सर्दी होती है। अब तुम में से जितने भी लोगों को सर्दी है, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें अगर सर्दी है, अब ये मैंने क्यों बोला कि यहां तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉप कर देते हैं, उनको कंपटीशन नाम की चीज नहीं है, समझे, कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों के अंदर, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर है तो यार लाइक सुपर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ओके। तो मेजॉरिटी लोगों को तुम देखोगे ना तो तुम देखो सर्दी होता है या खांसी होता है या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रहेगा। अब अगर तुम्हें सर्दी है समझ के देखो तो क्या होगा ना, तुम प्रॉपर सांस नहीं ले पाओगे, मुंह से सांस लेना पड़ेगा शायद, और अब क्या होगा कि ब्रेन तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो कैसे काम चलेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। ये एक प्रॉब्लम, एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम मैंने बता दिया। बहुत सारे लोगों का सीन ऐसा है कि नींद पूरी नहीं होती है भाई साहब, समझ रहे हो। अब अगेन तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो तुमको वो, तुम नींद में रहोगे, कुछ ब्रेन तुम्हारा थोड़े से इतना मतलब पूरी तरीके से पूरे पोटेंशियल पे काम नहीं करेगा, ये भी रीजन हो सकता है ना, कभी सोचा तुमने। दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हारा जो डाइट है बहुत, मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं पर तुम्हें एक जनरल बात बता रहा हूं कि शायद तुम्हारे डाइट में किसी पर्टिकुलर मिनरल की कमी हो, क्योंकि देखो आज के डेट में बाहर इतना अच्छा खाना सब्जी वब्जी नहीं मिल रहा है। एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, क्या तुम एटलीस्ट हर रोज एक फल खाते हो, एग्जाम्पल एक एप्पल खा रहे हो, या फिर एटलीस्ट एक बनाना खा रहे हो डेली बेसिस पे, या फिर एक ऑरेंज खा रहे हो? और क्या तुम अगर खा रहे हो तो क्या तुम इसको चेंज करते हो? जैसे मान लो इस पूरे वीक मैं 1 किलो एप्पल लेके आ गया, 7 एप्पल थे उसमें, तो मैंने डेली एक 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 एप्पल खाया, ठीक है। अगले वीक मैं ऑरेंज लेके आऊंगा और मेरे फ्रिज में ऑरेंज पड़ा होगा और मैं डेली एक ऑरेंज खाऊंगा, समझ रहे हो। शायद उसके अगले वीक मैं शायद डेली एक बनाना खाऊंगा, शायद उसके बाद मैं कुछ और ले आऊं, पाम या फिर कुछ और। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो? अगेन अगर आप नहीं कर रहे हो तो बचपन में जो पढ़ाई की थी उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि फ्रूट्स होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होने चाहिए, वो हमें मिनरल्स देते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये नहीं है तो तुम कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि भाई मैं पूरी तरीके से फोकस कर सकूं? क्वेश्चन वैलिड है अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मुद्दा की बात, मतलब पॉइंट की बात है, मुद्दे की बात है, तो जरा कॉमेंट में लिखना कि तुम अगर फल खाते हो तो कौन सा खाते हो और क्या रेगुलर बेसिस पे खाते हो या नहीं खाते हो, मेंशन करो। देखो क्या होता है ना, इससे 4 लोग और कमेंट्स देखते हैं और वो इंस्पायर होता है कि यार देखो एक्स वाई जेड, नाम मान लो कि कोई बच्चा है जिसका नाम है शिवम, यार शिवम कर रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है, मैं भी करूंगा। और ये अच्छी बात है ना, मैं तुम्हें कोई कुछ और तो नहीं बोल रहा गलत, ये बहुत ढंग की बात बोल रहा हूं मैं तुम्हें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम चाहते हो ना कि तुम लर्न करो। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे बच्चे क्या कहते पता है, भैया मैं ना चीजों को लर्न करता हूं, मैं लर्न करता हूं और फिर मैं भूल जाता हूं, ठीक है, इसलिए मेरा मोटिवेशन ही नहीं बनता है। लर्न कर रहे हो भूल जा रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन कैसे आएगा, लर्न करके याद रहे लंबे समय तक ऐसा तो होगा भी नहीं। आप समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा समझो, टेक्निकली समझो, धीरे धीरे भूलोगे, यहाँ पर रिविजन इंपॉर्टेंट है। तो क्या तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड रिविजन का टाइम टेबल है? एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेट्स से लाइफ प्रोसेस 1, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, ऐसे 4 चैप्टर तुमने पढ़ लिए है। मैथ्स में से भी 9th के बच्चों सेट्स पढ़ लिया, रैशनल नंबर पढ़ लिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, ट्रायंगल्स पढ़ लिया है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास तुमने पढ़ लिया है। क्या तुम्हारे पास एक ऐसा टाइम टेबल है
जिसमें तुम इस चीज के बारे में बात कर रहे हो कि यार 15 सितंबर को ना मैं सर्कल्स का रिवीजन करने वाला हूँ, मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, कुछ ऐसा है, मैं ग्रेविटेशन का रिवीजन करने वाला, कुछ ऐसा है। अब नहीं है तो भूलोगे ना, मैं तो तुम्हें हर जगह ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारी भी थोड़ी गलती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है भाई, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी थोड़ी गलती है, जस्ट एक्सेप्ट इट, तुम कर नहीं रहे हो। तो वट एवर सेरी, मैं क्या कह रहा था आपको कि आप बोलते हो कि मैं पढ़ लेता हूँ और मैं भूल जाता हूँ, तो ये रिवीजन वाला प्रॉब्लम है। दूसरा ये बात है, क्या तुम्हारे पास एक डेडिकेटेड कोई फिक्स स्लॉट है कि इस स्लॉट में बैठ के मैं लर्न करूंगा? नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम होगा। अब लर्निंग से एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग में क्या चाहिए बताओ मुझे, तुम्हारा ब्रेन फोकस करे। गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता देना, और अगर सही कह रहा हूँ तो कॉमेंट्स में फोकस लिख देना एक बार, लर्निंग में तुम्हारा फोकस करे। फॉर एग्जाम्पल मैं के प्लस थर्ड लॉ याद कर रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड का एक है लॉ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन रेडियस, ठीक है, फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट। टूटा फूटा मैंने बता दिया आपको, अब आपको ये लर्न करना है, फोकस चाहिए, चीजों को थोड़ा टेक्निकली रखना पड़ेगा, फोकस चाहिए। या फिर आप मान लो कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, इसका ईयर याद कर रहे हो, क्यों हुआ था, इसका आंसर याद कर रहे हो, ओके। या फिर कुछ और इंग्लिश के कोई आप फॉर्मेट याद कर रहे हो कि यार इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा होता है, या फिर वट एवर इज द थिंग, समझ रहे हो तो मेरी बात को समझना। तो इसके लिए फोकस चाहिए, तो मानोगे इफ यू एग्री, फोकस लिख दिया होगा चैट में तुम लोगों ने, नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके फोकस लिख दो, नहीं एग्री करते हो मत लिखो, ठीक है। यहां से भी पता चल जाएगा कितने लोग थोड़ा बुद्धि खोल के देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से देख रहे हैं। अब तुम्हें यह पता है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है, फोकस बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल के लिए तुम एक एथलीट हो, तुम्हें बैडमिंटन खेलना है, तुम्हें कैरम खेलना है, तुम्हें चेस खेलना है, ठीक है, तुम्हें मैराथन दौड़ना है, तुम्हें 100 मीटर रेस दौड़ना है, तुम्हें रिले रेस दौड़ना है, समझना बात को, तुम्हें वॉलीबॉल खेलना है, उसमें अच्छा रहने के लिए, क्या अच्छे से परफॉर्म करने के लिए तुम क्या करते हो? एवरीवन क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। अरे फोकस करने के लिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अब तुम कर नहीं रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो तो फोकस हो जाए, ऐसी बातें कर रहे हो यार, कैसे होगा, सोचने वाली बात है, सवाल तो सही है ना। तो फोकस के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम मेडिटेट करते हो? अरे छोड़ो मेडिटेशन, कुछ और करते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, जो जो मैं बोल रहा हूँ करना चाहिए। क्या तुम प्राणायाम करते हो? कुछ और करते हो? भैया मुझसे तो मेडिटेशन नहीं होता, भैया मैं फोकस नहीं कर पाता, तो बहुत दिक्कत है, बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है ये जो एक्सरसाइज है, इसको शायद हिंदी में नाड़ी शोधन कहते हैं, या और नॉर्मल इसका नाम अनुलोम विलोम है। ये तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, और बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है, तुम्हें फोकस बढ़ जाएगा। तुम डेली 5 मिनट करो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है ना। तुम कहोगे कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, प्रॉब्लम बहुत है, तुम्हें उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो, तुम्हें उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। खुद नहीं कर पा रहे हो तो गेट समवन जो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन देने के लिए तुम्हारे तैयार हो, भाई पापा मम्मी ट्यूशन टीचर स्कूल टीचर, जो कंसिस्टेंटली आपकी मदद करे। ये नहीं है कि आप एक बार गए आधे घंटे बहुत बढ़िया से समझाया, अरे रे 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 कितने अच्छे देवता मानुस है, दूसरी बार अच्छा मैं बताता हूं ना, ऐसे वाले लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कमिटमेंट दे तो उसको पूरा करे। ऐसे लोग हैं? नहीं है, इन दैट केस आप मेरा बैच ज्वाइन करिए, आई विल बी दैट पर्सन इन योर लाइफ, आपके स्टडी के जर्नी में मैं वो रहूंगा। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं ना जो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से मेरे पास अब तक है 11th 12th, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 100 तो ऐसे बच्चे जरूर है। बाकी तो तुम्हें पता ना कंसिस्टेंसी नहीं होती लोगों के अंदर। तुम में से कितने लोग स्टार्टिंग से अभी तक देख रहे हैं तुम बताओ, और तुम व्यूज देख लेना, व्यूज छोड़ो तुम लाइक के साथ उसको कंपेयर कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो यू कैन ज्वाइन द बैच, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन का लिंक है, कैसे खरीदना उसका लिंक है, और अगर आपको बात करना है तो 8527529111 इस पर कॉल करिए, ठीक है। और एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अब देखो क्योंकि ये बहुत रफ वीडियो था, बहुत ऑनेस्ट वीडियो था, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसका, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सामने कैमरा है, यहाँ माइक है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको एक सिक्वेंस में ला करके, ठीक है, कि पहला टिप भैया ने ये दिया, पहला ये क्वेश्चन पूछा, लाइक अ स्क्रिप्ट, तुम्हें वो नीचे कॉमेंट में डाल देना है, ठीक है। और इस वीडियो को तुम किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करो जो बहुत कंप्लेन करता है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, जस्ट शेयर विथ हिम। और जितने मैंने बताया ना उसमें से कोई ना कोई चीज तुम भी गलती कर रहे होंगे,
वीडियो को कितना लाइक है उस पर अगर आप एक कर दोगे तो और बढ़ जाएगा, इसको शेयर करोगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी सच में हेल्प करे तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल बी दैट पर्सन। पर्सनल मेंटरशिप हमारे बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो मैं देता हूँ और हमारे टीचर्स देते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, डू शेयर दिस वीडियो।